ट्रीज के बहुत सारे सेक्शन किए थे और उन सेक्शंस में से एक ये सेक्शन था। यहाँ पे हमने वेट एंड वेट ब्रश स्ट्रोक्स लेके ट्रीज किया हुआ, आप देखें इसको ध्यान से। और यहाँ पे हमने एक पोस्टर कलर का ट्री दिया जिसमें ओपेक टेक्निक से हमने ये ट्री किया। इसी तरह से हमने रोज़ आपको 2-3 मिनट्स में रोज़ कैसे बनाते हैं वो बताया। आप फ्लावर वन टच यानी कुछ सेकंड्स में फ्लावर कैसे बनते हैं वो देख सकते हैं। कुछ डेकोरेटिव फ्लावर्स एंड लीव्स हैं, इनको आप देखें। डेकोरेटिव स्ट्रोक्स कैसे लगा सकते हैं, अपने फाइल्स कैसे तैयार कर सकते हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है उसके लिए आप डेकोरेट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने आईज़ का भी एक सेक्शन आपके लिए बनाएंगे और अच्छी तरह से आपको आईज़ का एक सेक्शन दिखाएंगे। इसी तरह वाटर कलर सेक्शन में हमने आईज़ का भी एक सेक्शन आपके लिए बनाया, वो अभी आपको आगे दिखाएंगे हम। हिल्स का एक सेक्शन, हल्का फुल्का वाटर कलर से हिल्स कैसे बनाते हैं वो दिखाया। तो ऑलमोस्ट अभी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए जो है अलग अलग चीज़ें डिज़ाइन किए हैं और हमने कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छा सिखा सके। और आपको जो समस्या आती है आपकी, जैसे कोई कलर नहीं बनाना आ रहा, आपको कुछ भी नहीं आ रहा और आप महसूस करते हैं कि पेंटिंग नहीं बन रही, तो ये सारी समस्याओं का समाधान आपका हो जाएगा। और हम नेक्स्ट आगे जो वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें टेक्निक सिखा रहे हैं आपको। फ्लावर पॉट कैसे बनाते हैं, फ्लावर्स कैसे बनाते हैं और स्टोन्स कैसे बनाते हैं, हिल्स कैसे बनाते हैं, लैंडस्केप में आप सीस्केप कैसे बनाते हैं, वाटर सेक्शन कैसे करते हैं, शिप्स को कैसे बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। बहुत बारीक लाइंस कैसे लगाते हैं, बर्ड्स को कैसे बनाया जाता है, तो हम सब एक स्टेप बाय स्टेप आपके लिए क्लासेस वीडियो के थ्रू आपके पास पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहेंगे ताकि आपकी जो है हर समस्या का समाधान हो और आप अच्छे से अच्छी पेंटिंग बनाकर अपने जो है समाज को और सजा सके, अपने एरिया को, अपने हिंदुस्तान को और सजा सके। आप भी उसमें जो है पार्ट बन सके कि अपने जो है समाज को सजाया है और समाज में सुंदरता बिखेरी है, अपने घर में सुंदरता बिखेरी है और आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपको अच्छी फीलिंग आएगी और आपने जो है अपने समय का जो है सदुपयोग किया है, अपने समय को और अच्छा निखारा है, आपका अच्छा टाइम पास है, अच्छी हॉबी है। इसके साथ साथ आप इसको जो है कहीं इनकम सोर्स भी बना सकते हैं। अगर बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन जाते हैं आप, तो आप इसको इनकम के तौर पर भी अपना सकते हैं, पेंटिंग्स बनाकर सेल कर सकते हैं, अपने ग्रुप्स ले सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। हमारे ग्रुप्स चलते हैं, जैसे हम लोग भी सिखाते हैं और आप भी अपनी क्लासेस ले सकते हैं, अपनी पेंटिंग्स को बनाकर सेल कर सकते हैं। आज कल तो पेंटिंग्स का इतना जो है अच्छा रोल है हमारी लाइफ में कि हम चाहते हैं कि हमारी दीवारें जो हैं पेंटिंग्स से सजी रहें, हर घर सुंदर लगना चाहिए। तो उस चीज़ को आप देखते हुए आप भी उसके पार्ट बन सकते हैं और आप भी समाज को और सजा सकते हैं। थैंक यू।